सक्षम आज भारतीय द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कार्य संपन्न होता हो सभी के बीच में विकसित भारत की संकल्प यात्रा की प्रत्येक नागरिक में उसके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का बोध जागृत करने के लिए आज प्रेरणा के रूप में हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के परमेश्वर श्री महामंत्री महोदय का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। एक समाज अपने आदर्शों पर किस तरह से एक समृद्ध रूप से आगे बढ़ सकता है इसका पर्याय इसके सशक्त हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियम एवं सामंजस्य से पूरे जिनका माननीय व्यक्तित्व हम सभी के अंदर प्रेरणा का भाव जागृत करता है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा जब प्रत्येक नागरिक ने अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए एक बार पुनः विश्व के मानस पटल पर राष्ट्र भारत को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की हर व्यक्ति के अंदर प्रेरणा का भाव जागृत हो सके इसके अम्बेडकर मैदान गोरखपुर के इस प्रांगण में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना सानिध्य प्रदान करते थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य एवं उनका मार्गदर्शन हर व्यक्ति के अंदर इस भाव को जागृत करता है कि किस प्रकार से हम सभी अपनी नैतिक संस्कृति को अपने अंदर आधारित करते हुए तकनीकी के साथ जुड़ करके कदम दर कदम आगे बढ़ करके सदैव प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं इस हेतु उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हमें सदैव प्राप्त होता है। अपने माई के पास जाएगा समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गोरखपुर के प्रशासन के द्वारा विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कार्य संपन्न होता हुआ आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच में अतिथि के रूप में माननीय भारत अध्यक्ष महोदय माननीय विधायक सज्जन माननीय विधायक वैचारिक माननीय महापौर महोदय माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी के सानिध्य में माननीय सांसद सदस्य श्री रवि किशोर जी के सानिध्य में हमारे उत्तर प्रदेश शासन के परमेश्वर श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय गुरु बिना ज्ञान अपार है गुरु की शिक्षा की तेजी गोरखपुर की आभा को मदद करने वाली हम सबके परम आदरणीय परम श्रद्धे गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कथा ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं स्वागत वंदन एवं अभिनंदन माननीय सांसद एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का आज की इस विकसित भारत की संकल्प यात्रा का कार्यक्रम भारत राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रेरणा से विकसित भारत की संकल्प यात्रा के वीडियो की प्रस्तुति आप सभी आदरणीय जन के सम्मुख वीडियो की प्रस्तुति देशवासियों का संकल्प है। अमृतकाल 25 वर्ष का है लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है गली गली में देश
भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, शत प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत प्रतिशत लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में